नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड शक्ति रणधीर सिंह। अक्सर मैं देखता हूं पेरेंट्स आपस में बात करते रहते हैं बच्चों के करियर के बारे में, छोटे छोटे बच्चों के करियर के बारे में। तो आपने भी सोचा होगा, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को लॉयर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को IAS या IPS ऑफिसर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को टेक्नोक्रेट बनाऊंगा। बहुत कुछ आपने सोचा होगा, लेकिन क्या आपने ये झांक कर देखा कि आपका बच्चा क्या इंटरेस्ट रखता है? क्या आपने कभी ऑब्जर्व करके देखा कि किस चीज को करते हुए आपका बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय करता है? दोस्तों, ये करके आपने अपने कंधों का बोझ अपने बच्चे के कंधों पर लाद दिया। हमारे घर में तो किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया, हमारे घर में तो कोई आज तक डॉक्टर नहीं बना। तुम डॉक्टर बनोगे, मैं नहीं कर पाया इसलिए तुम करोगे। मेरे पास वो सुविधाएं नहीं थी, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने तुम्हारे लिए नई बाइक खरीदी है, मैंने तुम्हारे लिए नया कंप्यूटर खरीदा है, मैंने तुम्हें बेस्ट स्कूल में डाला है, महंगी कोचिंग क्लासेस में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, इसलिए अब से तुम वही करोगे। आप एक तुगलकी फरमान सुना देते हैं अपने बच्चे को। पहली बात आप मुझे ये बताइए, अगर आप नहीं कर पाए थे तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? मान लीजिए आपके पिता अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। आपके सपनों का बोझ अब वो बच्चा क्यों उठाएगा? एक बार आप उससे पूछ कर देखिए, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो लाइफ में। आप दूर से उसके ऊपर नजर बनाइए, उसका इंटरेस्ट किस चीज में लगता है, वो किस काम को करते हुए आनंद महसूस करता है, और उसी काम के अंदर आपको अपने बच्चे का भविष्य जरूर मिल जाएगा। क्योंकि अब हम एक ऐसे ज़माने में आ गए हैं जहां पैरेलल कोर्सेज भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, जहां स्पोर्ट्स को भी एक करियर के रूप में लिया जाता है, जहां स्पोर्ट्स भी एक करियर है, जहां कल्चरल एक्टिविटीज़ भी एक करियर हैं। पेंटिंग ड्राइंग में करियर हो गया है, आर्ट एंड क्राफ्ट में करियर हो गया है, यहां तक कि रेडियो जॉकी के प्रोफेशन में भी करियर हो गया है। एक छोटा सा कैमरा लेकर घूमने वाले भी अपना यूट्यूब चैनल बनाकर मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ अपने पैशन को पूरा कर रहे हैं और उसे प्रोफेशन बना रहे हैं, और जितना पैसा वो कमा रहे हैं बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग आज नहीं कमा सकते। पहले तो वही सिर्फ 5 से 7 करियर हुआ करते थे, आज 500 से 700 से ज्यादा करियर हैं। लेकिन माता पिता इन करियर्स के बारे में अनजान हैं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने मोबाइल फोन को तो अपडेट करते हैं, लेकिन अपने आप को अपडेट करना भूल जाते हैं, जिस वजह से हमारे और बच्चों के बीच में जनरेशन गैप आ जाता है। और इसी जनरेशन गैप की वजह से आज आपका बच्चा मेटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर ज्यादा इंजॉय करता है, वो उतना आपके साथ बैठना, उतना आपके साथ बातचीत करना जरूरी नहीं समझता जितनी नॉलेज वो कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से गेन कर रहा है। क्योंकि हम थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं, इसी जनरेशन गैप को हमें समझना होगा, तभी हम बच्चों के उस माइंडसेट के साथ अपने तालमेल को बना पाएंगे। डियर पेरेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों के कंधे पर लादने की बजाय उन्हें दिन भर इधर से उधर और उधर से उधर ट्यूशन के चक्कर लगवाने की बजाय एक दो करियर छांटिए। उन एक दो चीज़ों में आप पूरी ताकत लगा दीजिए, उसे बेस्ट रिसोर्सेज देने का प्रयास करिए, उसे सबसे बेस्ट गुरु देने का प्रयास करिए, सबसे बेस्ट इकोसिस्टम देने का प्रयास करिए, और एक दो चीज़ों में उसे आगे बढ़ने दीजिए। अगर आप उसे 10 चीज़ें दिखा भी देंगे तो वो 10 चीज़ों में महारत हासिल नहीं कर सकता, और वो एक रैट रेस का शिकार बन जाएगा जिसके शिकार आप खुद हैं। पेरेंट्स, अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर इतना बोझ मत डालिए, बेचारे झुक गए हैं, उन्हें खेलने दीजिए, क्योंकि ये बचपन वापस लौट कर नहीं आएगा। आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अपनी उम्मीदों के बोझ से आज़ाद कर दीजिए, उन्हें कैरियर चुनने में मदद करिए, उन पर थोपिए मत। जो ट्रेडिशनल 4 या 5 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनसे आगे बढ़कर हमें आज सोचने की ज़रूरत है। कल आपका बच्चा उसके चुने हुए कैरियर की वजह से निराशा महसूस नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर थोप देंगे तो अगर वो सक्सेसफुल हो भी गया तो वो भी वो अपना बेस्ट 100% कभी भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो चीज़ नहीं कर रहा है जो वो दिल से कर सकता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आज मौजूद हैं। क्यों, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एयर इंडिया के अंदर जॉब कर रहा था, काफ़ी सफलता मुझे मिल रही थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ इस चीज़ के लिए मैं बनाई नहीं हूँ, मेरी मंजिल ये नहीं है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया और आज मैं शीर्ष पर हूँ, आज मैं अपने करियर में खुश हूँ, जो करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ और काफ़ी सफल भी हूँ। आज हजारों लोग फॉलोवर हैं, ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। साथियों, यदि आपका बच्चा अपने मन का काम करेगा तो दुनिया उसकी सराहना करेगी, वो ऐसे शिखर पर पहुंचेगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। लोग इस दुनिया के अंदर या तो इतिहास रटने के लिए आते हैं या इतिहास रचने के लिए आते हैं, और इतिहास वही लोग रचते हैं जो हमेशा अपने मन की सुनते हैं। आप उसे करने दीजिए, क्योंकि अगर वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो उसके पास इतनी नॉलेज जरूर होगी कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लेगा।
लेकिन आपको हर कदम अपने बच्चे का साथ देना है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना। आपको भी बदलते हुए माहौल के साथ नई चीज़ों को अडोप्ट करना सीखना पड़ेगा, तो वो जनरेशन गैप नहीं होगा जो आज के समय में पेरेंट्स फेस करते हैं। कई जगहों पर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर पेरेंट्स को देखता हूँ कि वो अपने बच्चे के लिए कंसर्न रहते हैं, रहना भी चाहिए, बच्चा आपका है, आप उसके फ्यूचर के लिए कंसर्न है, लेकिन कहीं हम उस कंसर्न रहने के चक्कर में कहीं उसके भविष्य को हम बिगाड़ ना दें, इस बारे में भी कंसर्न रहना जरूरी है। क्यों, यदि आप पेरेंटिंग के ऊपर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस भविष्य में भी मिलते रहेंगे। शक्ति इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपके बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब मैं पर्सनली दूंगा। साथियों, होपफुली आपको काफ़ी अच्छे पेरेंटिंग टिप्स जरूर मिले होंगे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सबका वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।